कल जो आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो आदेश दिया था उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं, दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली में संवैधानिक स्थिति क्या है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद ऑफिसर्स ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि अगर देश में लोकतंत्र है और अगर लोकतंत्र में अदालतों के आदेश इस तरह से ऑफिसर्स मानने से मना करेंगे, ऑफिसर्स से इस तरह से मानने से मना करवाया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। अगर देश में अदालत और वो भी सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ, संवैधानिक अदालत पीठ के आदेश को मानने से ऐसे खुलेआम मना किया जाएगा तो देश में इस तरह से तो अफरातफरी मच जाएगी। फिर इसमें लॉ कहाँ बचेगा, लॉ का राज कहाँ, कानून का राज कहाँ रहेगा। हो सकता है किसी केंद्र को अच्छा ना लगाओ, हो सकता है एजी साहब को अच्छा ना लगाओ, हो सकता है कुछ ऑफिसर्स को अच्छा ना लगाओ, लेकिन अदालत के आदेश अच्छे लगने और नहीं लगने से सीमित थोड़ी होते हैं। अदालत के आदेश तो कानून से चलित होते हैं, और अगर अदालत ने, संवैधानिक पीठ ने कोई आदेश दिया है तो उसको मानिए। 2 साल पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पक्ष में आदेश नहीं था वो, उसके बावजूद हमने कहा था कि हम अदालत का सम्मान करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसको मानेंगे। अदालत के फैसले का तो तहे दिल से सम्मान करना ही पड़ता है, हर नागरिक को, हर संस्था को करना चाहिए। खुलेआम इस तरह से कैसे अवमानना कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने, कल संवैधानिक पीठ ने कल 3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर दी, मतलब 2 चीज़ें स्पष्ट कर दी थी। पहला तो ये कि केंद्र सरकार की केवल 3 सब्जेक्ट पे पावर है, उसके अलावा केंद्र सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट में इंटरवेंशन कानून बनाने के अलावा कोई पावर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं लिखा उन्होंने, ये भी लिखा कि किसी अन्य सब्जेक्ट पे पावर नहीं है, ये भी स्पष्ट किया है। 3 सब्जेक्ट पे पावर है, किसी अन्य सब्जेक्ट पे पावर नहीं है। अन्य सब्जेक्ट यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट पे 3 रिजर्व सब्जेक्ट को छोड़ के सभी ट्रांसफर सब्जेक्ट पे पावर, एग्जीक्यूटिव पावर विधानसभा की है, दिल्ली के मंत्रिमंडल की है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सर्विस डिपार्टमेंट, इसके बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस का जो सब्जेक्ट है, कल के आदेश के बाद सर्विस सब्जेक्ट का केंद्र सरकार के पास होने का कोई दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं बचती है। उसके बावजूद ऑफिसर्स अगर ये कह रहे हैं कि हम एमएचए के आदेश का क्वेश नहीं हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो ये तो खुलेआम अवमानना है। तो पहली चीज तो ये थी सर्विस डिपार्टमेंट। अब थोड़ा सा टेक्निकल देखें, एमएचए का जो नोटिफिकेशन है, अगर टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो वो डीबी में जाके क्वेश होगा, लेकिन वो टेक्निकल इशू है। सबसे बड़ी पीठ, सबसे बड़ी अदालत की सबसे प्रभावशाली पीठ जो संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक पीठ के आदेश के बाद गुंजाइश कहां बचती है इसके नहीं मानने। अब इसमें अब सवाल ये उठता है कि अगर इस आदेश के बाद जो कल आदेश आया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एलजी के पास यानी केंद्र के पास में सिर्फ 3 सब्जेक्ट की फाइलें जाएंगी, 3 सब्जेक्ट देखेंगे और दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कोई भी सब्जेक्ट पर डिसीजन एलजी साहब नहीं लेंगे, उसके बावजूद अगर एलजी साहब सर्विस की फाइल साइन करेंगे तो क्या एलजी साहब जानबूझ के संवैधानिक पीठ के आदेश की खुलेआम अवमानना करेंगे। अगर सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल को, सर्विस सब्जेक्ट की फाइल को एलजी साहब साइन करेंगे तो क्या एलजी साहब इसका आदेश की अवमानना करेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि एलजी साहब आदेश की अवमानना नहीं करेंगे। और अगर एलजी साहब ऐसा नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हम मिनिस्टर के आदेश पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो क्या आप दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगे, क्या दिल्ली सरकार एकदम ठप हो जाएगी। तो हमारा सबसे अनुरोध ये है इसमें, स्पेशली केंद्र सरकार से, एलजी साहब से, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कल 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और एक बहुत इंटेंट दिया गया है, उसकी जो स्पिरिट है कि सब कोऑपरेशन से काम करें, तो यहाँ कोऑपरेशन की जरूरत है। हम केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे, हम एलजी साहब से भी अपील करेंगे कि कोऑपरेशन की अपेक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोऑपरेशन से काम करें और
अब महज टेक्निकल फॉर्मेलिटी के लिए ऐसी असंवैधानिक स्थिति पैदा ना करें जहां एलजी साहब के पास में सर्विस डिपार्टमेंट की फाइलें साइन करने के अधिकार बचे नहीं है और ऑफिसर्स आदेश नहीं मानेंगे मंत्रियों के अगर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर सरकार चलेगी कैसे? सरकार तो एकदम स्टैंड स्टिल में रहेगी, ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे? तो मेरी अपील है सभी से कॉपरेशन से काम करें, जैसा कि कल आदेश में भी स्पिरिट था। हम लोग भी बाकी वकीलों से भी सलाह कर रहे हैं कि क्या करना है, आगे कैसे करना है, इसको टेक्निकली कैसे देखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जब पूरी व्यवस्था दे दी है उसके बाद तो वो इंफेक्शस हो जाता है, लेकिन अगर अफसर बार बार ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे तो ये तो खुलेआम अपमान है। पता नहीं, अब तो एलजी साहब अच्छे से बता पाएंगे। हमारी एलजी साहब से भी अपील है कि अफसरों को भी देखिए, इसमें बाद में अफसरों के लिए भी प्रॉब्लम है ना, अगर वो आदेश नहीं मानेंगे। एलजी साहब भी अगर जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल देखने के लिए इंसिस्ट करेंगे या देखेंगे, वो भी कोर्ट के अपमान है। लेकिन सर, ये रिफ्यूज किसने किया है? ये चीफ सेक्रेटरी ने या फिर सर्विस सेक्रेटरी ने? सर्विस और वो चीफ सेक्रेटरी से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं उनकी सुनवाई रेगुलर बेंच के करेगी, जिसमें सर्विस सेक्रेटरी भी है। लेकिन इस आदेश के बाद अब एलजी साहब के पास ये पावर बची नहीं है कि वो सर्विस की फाइल देखें। ऑफिसर्स आदेश मानने से मना करेंगे, अगर ऑफिसर्स कोर्ट का आदेश मानने से मना करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? लेकिन उसी आदेश में reshuffle was expected today, transfer the posting के आदेश में आगे बढ़ेंगे हम लोग।